देश में पहली बार ऐसा हुआ कि टेलीकॉम सेक्टर में दो कंपनीज जो कि एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं, एक दूसरे की कॉम्पिटिटर हैं और वो भी दिग्गज कॉम्पिटिटर्स, मैं बात कर रहा हूँ जियो और एयरटेल की, उन दोनों ने हाथ मिलाया है, एक समझौता किया है, एक डील किया है और वो भी कोई ऐरा गैरा डील नहीं, 1000 करोड़ रुपए की डील। आइए इस वीडियो में आपको जियो और एयरटेल के बीच हुए एक नए डील के बारे में बताते हैं और इसमें आखिर जियो का क्या फ़ायदा है, एयरटेल का क्या फ़ायदा है और इसमें आपका कैसे नुकसान है ये भी हम जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें। टेलीकॉम, टेक और मनी मेकिंग की वीडियोस देखने के लिए अपने चैनल हिंदुस्तानी हेल्पर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। हेलो नमस्कार, प्रयागराज से मैं प्रवीण माहुलिया इस नए वीडियो में करता हूँ आप सभी का स्वागत। पहले तो हम जान लेते हैं ये डील क्या थी। दोस्तों ये एक स्पेक्ट्रम डील थी। एयरटेल अपने स्पेक्ट्रम को ऑफर कर रहा था रिलायंस जियो को पिछले 3 महीने से और फाइनली उनकी डील क्लोज हो चुकी है और पूरा ट्रेड एग्रीमेंट कंप्लीट होता है। 1004 करोड़ रुपए जियो ने अदा किए हैं एयरटेल को इस डील के लिए। एयरटेल ने बदले में प्रोवाइड किए हैं 800 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम, वो भी 3 जगह में, 3 सर्कल्स में, आंध्र प्रदेश सर्कल, मुंबई सर्कल और दिल्ली सर्कल में। इस डील में लगभग 450 करोड़ रुपए फ्यूचर में भी जियो के ऊपर लायबिलिटी बनती है एयरटेल की। अब हम बात करते हैं इसमें जियो और एयरटेल का लाभ क्या है। इसमें जियो का लाभ ये है कि सरकार से अगर वो स्पेक्ट्रम खरीदने जाता तो लगभग 2 से 3 गुना पैसा उसको देना पड़ता क्योंकि स्पेक्ट्रम सरकार ही ऑक्शन करती है किसी भी देश में। दोस्तों लगभग $400 मिलियन जियो ने सेव किए हैं अपने इस डील से। और बात करें एयरटेल की, एयरटेल ने क्या फ़ायदा पाया। एयरटेल ये सारे स्पेक्ट्रम जियो को दे देगा और बदले में यूज़ कर सकेगा टाटा टेली सर्विसेज से हुए मर्जर दौरान पाए गए स्पेक्ट्रम। अभी तक वो स्पेक्ट्रम अनयूटिलाइज थे तो कोई भी हमारा एसेट जब पड़ा हुआ है तो इससे अच्छा उसको यूज़ किया जाए और अपना रनिंग एसेट किसी और को दे दिया जाए या बेच दिया जाए। इससे एयरटेल को भी पैसा मिलेगा और वो पैसा वो अच्छे प्लान्स लाने में खर्च करेगा या 5G डेवलपमेंट में ताकि उसके बिजनेस में पाँव और ज़्यादा फंसार सके। अब इसमें घाटा क्या है। घाटा ये है दोस्तों कि वोडाफोन आइडिया कंपनी जिस तरीके से डगमगा रही है, कल को अगर ये कंपनी बंद होती है, हालांकि उसको मदद का आश्वासन मिल चुका है, उसके बारे में आपको सेपरेट वीडियो बना के समझा दूंगा कैसी मदद और वोडाफोन आइडिया कैसे सस्टेन करेगी कि एक वीडियो ऑलरेडी मैंने इस पे बना चुकी है। तो दोस्तों अगर वोडाफोन आइडिया डगमगाती है तो एयरटेल और जियो ने जो हाथ मिलाया है ये दोस्ती अगर और पक्की होने पाई तो ये दोनों मिलकर मार्केट का रेट तय कर लेंगे और इसकी वजह से मनचाहा रेट ये पेश कर सकेंगे। अगर एक दूसरे का कॉम्पिटिटर्स हो मार्केट में सप्लायर तो फिर वो कंपिटिटिव रेट रखते हैं और जनता को इससे फ़ायदा मिलता है। एक कोशिश करता है कि दूसरे से कम का रेट रखें, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाएंगे तो एक रेट सेट कर लेंगे और चूंकि मार्केट में केवल 2 दिग्गज कंपनीज बचेंगे उनके बीच की दोस्ती जनता के जेब पर एक बड़ा चपेट मार सकती है। बस दोस्तों इस वीडियो में मुझको यही जानकारी देनी थी कि एयरटेल और जियो को इस डील से क्या फ़ायदा होता है और कैसे वोडाफोन आइडिया के डगमगाने की वजह से आप सभी को एक बड़ा नुकसान हो सकता है इस डील के हुए इस दोस्ती की वजह से। अभी के लिए इस वीडियो में इतनी जानकारी। टेलीकॉम के बारे में कोई भी खबर होगी सबसे पहले आपको हिंदुस्तानी हेल्पर चैनल पे आ जाएगी। देश में सबसे बड़ा टेलीकॉम चैनल बनाने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अभी के लिए दीजिए मुझको इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।